सुपरवाइजर साहब हैं हमारे, ठीक है, इनका फर्ज बनता है ये गली में सफाई और इधर पूरा बंदा यहाँ पर रोज आना चाहिए, जहाँ पे दो दो महीने हो जाते हैं बंदा नहीं आता। पहली बात तो ये है, पूरी गली में मैं रोज ऑटो भेजता हूँ, ठीक है जी। ऑटो देखो, ऑटो वाला इधर, ऑटो वाला इधर, ये मेरे सामने है ना कचरा, मेरे सामने कुछ लोग फेंक देते बाहर, तो ऑटो में नहीं देते है। हम लोगों ने इतनी मेहनत करके यहाँ पे कितनी देर से चला रहे हैं। एक लाइन पड़ती है 28 में, एक 27 में, ये काम 28 का ही है, लेकिन फिर भी हम करवा रहे हैं 27 वाले। ये हमारा है, ये बोलो, ये पीछे से देखो। एक बात, ये लोग नाले में फेंक रहे हैं, उनको आप जुर्माना करेंगे, हमें उम्मीद। दूसरा, जो नालियों से आपने कूड़ा करकट निकाला है उधर, वहाँ पर काफ़ी दिन आप ढेर लगा के रख रहे हैं, उसके लिए आपको भी कोई जुर्माना होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए, हम तो एक दिन अब निकालते हैं। कोविड-19 की इस महामारी के अंदर अगर हम देखें तो सरकारें ये प्रयत्न कर रही हैं और लोगों को भी ये जागरूक कर रहे हैं कि साफ सफाई का खास ध्यान रखें, लेकिन इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी एक बड़ा रोल है कि वो अपने कार्य को सही तरीके से करें ताकि इस महामारी का अंत हो सके। और साफ़ सफाई तो हमें लगता है कि हर जगह, हर घर के अंदर सभी को करनी चाहिए, और बाहर तो जिस डिपार्टमेंट का कार्य है उनको करनी चाहिए। लेकिन मैं इस वक्त क्रिचन कॉलोनी में हूँ, बख्शी नगर में। अगर मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सामने, विशाल मेगा वार्ड के बिल्कुल सामने, यहाँ पे गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल भी है। और ये कौन सी वार्ड है सर? वार्ड नंबर 27 में एक गली के मैं दृश्य दिखाने जा रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पर थोड़ी साफ सफाई तो है, जो बाहर जैसे अमूमन होता है कि कोई नेता आए या कोई बड़े बड़े लोग जिस जगह से गुजरते हैं वहाँ साफ सफाई की जाती है, लेकिन उन जगहों पर साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता जहाँ पर नेताओं की नज़र नहीं पड़ती या यहाँ से गुज़रते नहीं हैं। तो मतलब एक तरह से होता है कि आप हाइड करके रखें, चोरी करें, जो करना आपको करें, लेकिन इससे लोगों को परेशानी हो रही है। एक गली है, छोटी सी पतली सी गली है, मैं साथ में चलते हुए दिखाऊंगा, यहाँ पर गंदगी काफ़ी फैल गई है। ऐसे में लोग परेशान हैं और गुहार लगा रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लोग हैं वो शायद काम नहीं कर रहे। आप देखें यहाँ पर किस तरह से गंदगी पड़ी हुई है, और आरोप यही है कि काफ़ी लंबे समय से, अब कितने दिन से ये तो इन्हीं से पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर गंदगी जो है, और गली काफ़ी पतली है। ये लोग देखें अब यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ से आप देखें सामने, अगर आगे आपको तस्वीरें दिखाई जाएँ तो ये गंदगी देखें, यहाँ गंदगी और कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। लोगों ने यहाँ पर हमें बुलाया है, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग क्यों कार्य नहीं कर रहे ये तो इन्हीं लोगों से जानेंगे, लेकिन लोग परेशान हैं क्योंकि बीमारियों का घर है ये गंदगी, और घर के गेट भी अगर आप देखेंगे, दरवाजे भी देखें तो ये साथ साथ में है। ऐसे में गंदगी अगर बाहर होगी तो परेशानी हो सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बब्बू। अच्छा, आप यहीं रहते हो? हाँ जी, हम इधर ही रहते हैं। ये कितने दिनों से यह गंदगी है? 15-20 दिन हो गए। पंद्रह बीस दिन हो गए। हाँ। तो ये किसका काम है इसको साफ करने का? इसका काम हो जाएगा सुपरवाइजर, म्युनिसिपैलिटी। हाँ हाँ, अच्छा, वो तो एक दो बार आख्या भी, वो मनया कोई नहीं। क्या आखदा? वो कहना कोई 7 वार्ड है, कोई 8 वार्ड है। कहना केड़ी वार्ड? ए 7 वार्ड। अच्छा, वो पिछली उधर, वो 8वां। अच्छा, तो वो कोई मनदा कोई नहीं। मैं परसों भी आखे थे, कहना मैं चका देना, नहीं मनया नहीं। अच्छा, नहीं मनया? नहीं मनया। नहीं, कोई प्रोटोकॉल है? क्यों नहीं मान रहे? जब आप मुल्क दोबारा गल ही कोई नहीं की। अच्छा, कोई गल नहीं की ना? मैं मतलब कोई नहीं गल कर। अच्छा, हाँ अच्छा, मैं से बात कर लूँ? हाँ जी, करो। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विक्की कुमार है। अच्छा विक्की जी, ये सारे लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं, परेशान हैं, ये आप भी यहीं रहते हैं? मेरा भी यही घर है सर। अच्छा, ये आपका घर है? ये मेरा घर है। कितनी बदबू होती है यहाँ दिन भर रात? देखिए, ये एक हफ्ता पहले से ये जो गंदगी जो है निकाल कर यहाँ पे लगाई है।
तो हफ्ता पहले निकाली किसने? हफ्ता इसमें पूरा जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ये गली पड़ती है, तो इस गली में दो दो महीने तक सफाई कर्मचारी नहीं आता। नहीं, ये गंदगी जो हमने कहकर इनसे निकलवाई भी है, और ये डेढ़ हफ्ते से भी ज़्यादा है जो जहाँ पे पड़ी है, तो इसको मैं कितने बार काफ़ी सारे जो जहाँ पे गली में सफाई वाला बार बार आता है, इधर अंदर नहीं आता, उसको भी बोला मैं, कहा यार ये उठवाओ। नहीं, ये निकाली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों ने? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने निकाली हुई है। अच्छा। तो डेढ़ हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया, इसको उठाने वाला कोई नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी खिड़की अब नहीं है इसको, मेरे कमरों को, तो इतनी स्मेल है इसमें, पूरी लैटरिंग आती है। जो सामने एक लास्ट वाला घर है, मैंने हमारे जो सुपरवाइजर साहब है उनको मैंने इसकी कंप्लेन दी थी कि ये इनकी जो है लाइन जो है बंद करवाई जाए, क्योंकि ये कमर्शियल एरिया है, इसमें आजकल तो वो सिवर लाइन बनाया है, तो इनका क्यों इसमें आ रहा है? तो मैंने बता दिया उनको, इस पर भी कोई उनका रिएक्शन नहीं आया कि उन्होंने उनको जाकर बोला है कि नहीं बोला। तो ये बंद होना चाहिए, ये सारे लोग हैं इसी गली में रहते हैं, तो आप इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि कितनी यहाँ पे स्मेल है और आने जाने में कितनी हमें प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रदीप कौर। अच्छा, किन्ने दिनों से तुसे ये प्रॉब्लम आवा कर दी? ये सर है तो हमेशा इधर प्रॉब्लम ही रहती है, कभी इस गली में कोई सफाई वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे लोग आते हैं घर निकाल के फेंक जाते हैं इधर। तो हम सरदारों का घर है हमारे सामने, हिंदुओं का घर है, ये हिंदुओं का, ये भी हिंदुओं का सामने, दो तीन सरदारों के घर है। वहाँ सफाई करते हैं ये लोग? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। अच्छा, वहाँ सरदारों के भी घर है? हम सरदार ही हैं। अच्छा, मैंने कहा आपके सरदारों के वहाँ सफाई करते हैं इनके? इधर हम खुद आपस में लड़ाई चल रही है क्या? कोई हमारे गेस्ट आते हैं वो इतना हमें बोलते हैं कहाँ इस गली में फंसे हो आप, इतना गंदा है इधर, क्यों नहीं कोई सफाई वाला आता? तो कोई आता ही नहीं है, हम इतनी बार बोल बोल के सबको कह रहे हैं कि करो करो करो, इधर कोई सफाई वाला लगाओ, कोई लगाते नहीं है। नहीं, ये जिसने गंदगी निकाली है, हमें लगता सफाई कोरोना होना थे तब भी कोरोना होए, अब ये तो जब जाते हैं तब भी मुंह ढक के जाते हैं। कोरोना ना हो तो बीमार भी होते ही है बच्चे, आप वैसे तो पुरुष जो है ऐसे बोला सबने के चलो कोरोना का परहेज करो, सफाई रखो, जो करो, तो ये क्या कौन सी सफाई है? नहीं, क्यों सफाई नहीं कर रहे आपको क्या लग रहा है? नहीं, कोई इधर 27 वार्ड इस गली में कोई आता ही नहीं सफाई करने, 27 नंबर वार्ड है। हाँ जी, तो हम तो बड़ी बार बोल बोल के हार गए, कोई नहीं बोल आता। नहीं, इनकी कोई आपस में लड़ाई तो नहीं चल रही म्युनिसिपल कार्य? कोई पता नहीं, हमें तो कोई पता नहीं है। हमको कह रहे हो मैं नहीं जा रहा उस गली में, आप जाओ दूसरे। नहीं नहीं, इधर कोई कोई है ही नहीं, लड़ाई वाला है ही नहीं कोई इंसान इधर, कोई नहीं। तो चाहिए इधर कोई ना कोई कर्मचारी लगाओ सफाई वाला, हमें भी कोई इंसान है इधर, सारे रहते हैं। सर, विक्की कुमार है मेरा नाम। क्यों लड़ रहे हो? और देखिए, ये सुपरवाइजर साहब है हमारे, ठीक है, इनका फर्ज बनता है ये गली में सफाई, और इधर पूरा बंदा जहाँ पर रोज आना चाहिए, जहाँ पे दो दो महीने हो जाते हैं बंदा नहीं आता। अच्छा। और हम कह कह के एक आधी बार अगर आ जाता है, ये देखिए हमने कह कह कर ये नाली निकलवाई, सर ये कह रहे हैं कि दो महीने से बंदा नहीं आया। पहली बात तो ये है, पूरी गली में मैं रोज ऑटो भेजता हूँ, ठीक है जी, ऑटो देखो, ऑटो वाला इधर आ, ये बंदा रोज आता है, पिछले साइड तो है यार, ये मेरे सामने है ना कचरा, मेरे सामने कुछ लोग फेंक देते बाहर, तो ऑटो में नहीं देते है। हम लोगों ने इतनी मेहनत करके यहाँ पे कितनी देर से चला रहे हैं, और ये कुछ लोगों की गलती से ऐसा बाहर आया था कूड़ा। आप लोग मुझे आप लोग यहाँ पर ऑटो में क्यों नहीं डालते हो कूड़ा? देखिए जी, इन्होंने क्या किया हुआ है, कॉर्पोरेशन वालों ने डस्टबिन दिए हुए हैं, तो हमें तो कोई डस्टबिन नहीं दिया, तो हम कूड़ा कैसे उठा उठा के इनके पास लेकर आए वहाँ पर? पॉलिथीन में जो आप छोटे डस्टबिन लगाए, अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम 100 रुपए जो है पर मंथ लेते हैं, तो उसके लिए इन्होंने डस्टबिन दे रखे हैं, तो हमें भी डस्टबिन दे, हम भी 100 रुपए दे देंगे, उसमें क्या है? तो हम कूड़ा उठा के डस्टबिन देने की भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोई रखी पॉलिसी है? सर ऐसा है कि एक साल पहले म्युनिसिपैलिटी ने डस्टबिन दिए थे, लेकिन ऐसा कोई पिछले दिन है नहीं हमारे पास कि हम किसी को डस्टबिन दे सकें, ठीक है? थोड़ा इधर आ जाओ, इधर ऐसा कोई प्रोसीजर है? ऑटो का टाइम हमारा सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक होता है, हमारा ऑटो 4 बजे तक चलता है, अभी भी ऑटो चल रहा है, हमारा ऑटो 4 बजे तक चलता है, और ड्राइवर कोई बुलाओ यार, कहाँ है ड्राइवर? ये 4 बजे तक ऑटो चलता है। अच्छा ऐसा है, आपको मैं एक और पॉइंट बताता हूँ, ये पूरी गली वाले क्या करते हैं, ऑटो को कूड़ा नहीं देते, कह रहे हैं बड़े डस्टबिन दे दो, डस्टबिन का प्रोसीजर हमारे पास है नहीं कोई, जब प्रोसीजर आएगा हमारे पास, ऑटो आएगा, डस्टबिन आएगा, हम दे देंगे। लेकिन ये अभी कह रहे हैं प्रेजिडेंट साहब कि 2 महीने से बंदा नहीं आया, पहले ये कह रहे थे डेरी निकाली हफ्ते में से, चुप करो, गल प्लीज गल कर लो, पहले गल कर दो, और कभी कोई कह रहा है हफ्ता पहले ये डेरियां निकाली, आप डेरियां देखिए एक मिनट,
अच्छा डेरियां निकाली है और हमारा ऑटो आ गया है, क्योंकि कल किसी वजह से इनका ऑटो खराब हो गया तो वो डेरियां नहीं उठा सके। लेकिन इस नाली में जो वो सामने लेडीज खड़ी वो भी कह रही है कि नाली में लोग कूड़ा फेंकते हैं, ऑटो को नहीं देते हैं। एक मैं पॉइंट आपको और बताता हूँ, आप आइए प्लीज। नहीं मैं ये मैं आपसे लास्ट में आप पहले हम देखेंगे जो लोग ऐसा कर रहे हैं चाहे वो नाले में फेंके या यहाँ फेंके, उन लोगों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई फाइन वगैरह नहीं होता? फाइन करेंगे हम, मैंने पहले भी किए थे, मैंने पहले भी किए और मैं अब भी करूंगा। अब पहले नहीं किए थे, मैं मोहल्लेदारी समझता, लेकिन अब मैं फाइन करूंगा। आज ही नाम लिखूंगा सभी गली के, ठीक है जी, ये मेरा वादा है, मैं आज ही करूंगा फाइन। मैं एक मिनट मैं लोगों से बात करूं, मैं लोगों से बात करूं। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर आपके लिए ऑटो लगाए हुए हैं, सर थोड़ा इधर आ जाएंगे आप, ऑटो लगाए हुए हैं तो आप कूड़ा उसमें क्यों नहीं डालते, आप यहाँ या नीचे नाले में क्यों डाल रहे हैं? पहले तो ये बात है कि हम रहते हैं इधर आगे, ऑटो खड़ा होता है इधर, ऑटो हमें पता नहीं चलता कब आता है कब नहीं आता। हमने कोई गाय नहीं रखी, कोई भैंस नहीं रखी। आप थोड़ा सा मेरे घर के पास चलें, देखें उधर गोए का कितना ढेर है। ये लोग बोल रहे हैं ना कि नाले के पास कूड़ा फेंकते हैं, जो उधर से आके इधर फेंकते हैं उनको क्या बोला जाए? नहीं सर आके देखेंगे हम, चलेंगे। ये हमारा गंद है, ये बोलो आ रहा है हमारा थोड़ी, हमारी ये पीछे से देखो, ये तो पीछे से ये भैया हमें बोल रहे हैं। ये किसकी ड्यूटी है इसको ये क्लियर? सर ये क्या उनका नाम है, यहाँ पे सुपरवाइजर हैं, क्या नाम है उनका? दीवान जी, ये 28 वार्ड में पड़ा है। नहीं तो आप उनको मैसेज दे सकते हैं या हम उन्हें फोन कर लें एक बार? हाँ आप कर लो, फोन कर लो, लेकिन मैं बता दूंगा उनको कि ये नाले में कितनी परेशानी होती है। जब अंदर मेरे कमरे में जाओ आप, बाकी सर ये लाइन है ना जो मैंने लाइन आपको बताई यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, निकालना इसको। आधे घर जो है ना, ये जो आधे घर है ना, ये एक लाइन पड़ती है 28 में, एक 27 में, ये काम 28 का ही है, लेकिन फिर भी हम करवा रहे हैं, 27 वाले करवा रहे हैं। कारपेंटर मैडम ने कहा एक बात, ये लोग तो नाले में फेंक रहे हैं, उनको आप जुर्माना करेंगे हमें उम्मीद है। दूसरा जो नालियों से आपने कूड़ा करकट निकाला है उधर, वहाँ पर काफी दिन आप ढेर लगा के रख रहे हैं, उसके लिए आपको भी कोई जुर्माना होगा? नहीं सर ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए, हम तो एक दिन अब निकालते हैं। अच्छा ऐसा है सर कि हमारा होता है एक दिन निकालना और दो या दो दिन उसको सूखने में लगता है। देखो ये इतनी लंबी गली है, यहाँ से बंदा उठा के जाएगा ऐसे सिर पे उठाएगा तो उसके सर पे पड़ेगा कूड़ा, ठीक है ना। अगर परसों मैंने निकाला, तीन दिन निकाला तो आज उठाने के लिए आ गया, सुबह मैंने उसको बोल दिया था, लेकिन बारिश की वजह से वो लेट हो गया, अब उठा देंगे। ये जैसे कह रहे हैं 7-8 दिन या 15-10 दिन, लोहड़ी से पहले का निकाला हुआ, हमें डेट नहीं याद है, लोहड़ी से पहले का निकाला हुआ, इनको नहीं शायद पता होगा। ये भी खुद इनका इतना काम होता है कि इनको कहीं उधर जाना पड़ता है, कहीं उधर। ये पहले जब आप निकाल रहे हैं साथ साथ में उठाए ना, लोग परेशान हो, क्योंकि बीमारियां, किसी कोई बीमार हो जाएगा तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? मैं बताऊं साहब, ऐसा है कि ये जो कूड़ा है, जब गाड़ी रोज आती है लोग देते नहीं उसको कूड़ा, अगर वहाँ दें तो नाली में आएगा नहीं। नाली में आप देखिए जितना सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान का, एक लेडीज़ वहाँ खड़ी है जिसका घर है, वो क्या कह रही है? कह रही है कि मैं यहाँ ही रहती हूँ, लोग नालियों में कूड़ा फेंकते उधर नहीं देते। एक पॉइंट और आप देखिए, वो मेरा घर है उधर, और मेरा घर है बैक साइड पे, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता, वहाँ पे इतना कूड़ा है। और देखो वो कहाँ से आया, वो उड़ के तो आया नहीं, ठीक है हमारा, ठीक है एक दो दिन लेट हो गया, हम आज उठा देंगे, ऑटो आया हमारा, मैंने कल का भी उनको कहा ऑटो, कल हमारा ऑटो थोड़ा ख़राब हो गया, वो इधर थोड़ी एक काम करें मेरा पीछे भी नाला है, पीछे भी नाला है, पीछे भी देखो। अच्छा इस तरफ भी कोई नाला? हाँ देखो ना, हम यही तो बोल रहे हैं। कहाँ नाला? अच्छा ये लोगों ने ऊपर से यहाँ पर कूड़ा करकट फेंका। आप देख सकते हैं ये मंदिर है, मंदिर मंदिर कौन सा? वो सामने मंदिर है, वो पर मंदिर है, वो मंदिर और मंदिर के नीचे देखो क्या हाल है ना। ये जो ग्रीन ये है ना, ये जो ऑरेंज दीवार मिल रही है, ये मंदिर की दीवार है, ये मंदिर है, ये मंदिर है, और इसके साथ इसका घर है खजरा डे का। नहीं तो ये जो कूड़ा करकट है, ये जो बाहर फेंक रहे हैं, इनको ये क्या ऑटो में डालना था? सुनो यहाँ हमारे पंडित जी रहते हैं, इतना बुरा हाल है कि उनको खिड़की नहीं खोल सकते वो। अच्छा इतना बुरा, बहुत ही परेशान है वो, और ये सारा इतना कूड़ा आप अंदर जा नहीं सकते, नहीं तो आप अंदर जाके देखिए, जब मंदिर के ऊपर से देखिए नीचे क्या हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। पंडित जी जो हमारे रहते हैं उनको बहुत रहना मुश्किल है, बहुत से बीमार हो जाते हैं। लोगों ने फेंका हुआ यहाँ वहीं से
लोग सर ये छत से फेंक देते हैं ना, डोर टू डोर नहीं दे रहे हैं, डोर टू डोर नहीं देंगे। और जो ऊपर से फेंक दिया आसानी, शॉर्ट काम किया फेंक दिया, और ये नहीं पता कि हम लोगों के लिए यही खतरे का कारण है, हम बीमार हो सकते हैं, ये नहीं ना देखते। ये जो जितना भी गंद यहाँ पड़ रहा है अब तो ये डाल दिया, ये किसका काम है अब उठाना? उठाना हमारा काम है, हम लगाएंगे यहाँ, नाला गैंग बुलाएंगे, नाला गैंग आएगी तो वो कर देगी। ये तीन दिन पहले चार दिन पहले नाला साफ हुआ था, अब होता ना ये हम तीन चौथे दिन करवाते हैं, लेकिन जब हम करवाते हैं फिर लोग फेंक देते हैं। हफ्ते के बाद होता है ये, ना हो फिर लगाए। तो यहाँ पर समस्या थोड़ी गंभीर है, आपसी जो मतभेद है, आपसी मतभेद है, उसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। लोगों को भी अपने दायित्वों का पालन करना होगा, लोग ये समझें कि उनकी वजह से परेशानी हो रही है। अगर ऑटो लगाए हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने तो ऑटो में डालें, और अगर नहीं डालते हैं तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये दायित्व है कि वो उन पर जुर्माना लगाएं। और अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं उठा रही तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी फिर उसका हर्जाना भरना चाहिए, ताकि लोग परेशान ना हों। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।